CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में। प्यारे बच्चों आदाब, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर चमन आरखा NCERT नई दिल्ली। आज हम आपको आपकी 8वीं जमात की किताब अपनी जबान से का दूसरा सबक एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। ये मज़ेदार कहानी को लिखने वाले मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग हैं। पहले मैं मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग 1883 में दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी इन्होंने मदरसे से हासिल की, हिंदू कॉलेज से बीए पास किया। फिर ये हैदराबाद चले गए, उन्होंने कई नौकरियां हासिल की। उसके बाद उन्होंने हर मौजू पर कलम उठाया, अफसाने भी लिखे, समाने हयात लिखी, तनकीद लिखी, अखलाकी मौजूआत पर भी लिखा। लेकिन इनके मजाहिया मजामीन जो है बेहद मकबूल हैं। इन मजामीन में जो है मजामीन फरहत के नाम से शाया हुए हैं। उनका इंतकाल 1947 में हुआ। उनकी लतीफ़ा पसंद तबीयत जो थी और बयान की रंगीनी की वजह से मजमून के बीच में वो वाक़यात इस तरह से लेकर आते हैं कि वो पुरलुत्फ हो जाते हैं। इसके अलावा जो मफहूम को वाज़े करने में जो वो के जो ये वाक़यात बताते हैं जो लुत्फ से भरपूर होते हैं उसको वाज़े करने में वो खासी मदद देते हैं। उनकी तहरीरों में दिल्ली की ज़बान जो दिल्ली की ज़बान है और मुहावरों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उनके उसलूब में रवानी है और इनका जो स्टाइल है, इनका लिखने का जो अंदाज़ है वो रवा दवा है। अल्फाज बड़े खूबसूरत उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और ख्याल का गहरा तालमेल है जो उसकी उनकी तहरीर की खसूसियत है। अब ये नज़म जो है एक मज़ेदार कहानी, ये भी मज़ेदार है, वाकई मज़ेदार कहानी है और इसे एक किस्से के तौर पर उन्होंने बयान किया है, जैसे किस्सा बयान करते हैं। तो इससे पहले ये जो कहानी शुरू होती है उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने इस कहानी को थोड़ा एडिट किया था, तो एडिट करने के बाद फिर इस कहानी को यहाँ से शुरू किया था जो इस सबक में है। तो कहानी ये है कि एक औरत है, वो उसका शौहर जो है जब वो जवान ही थी, उसका बच्चा छोटा था, जब ही इंतकाल हो गया था, उसके बाद वो अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल से पालती पोसती है, पढ़ाती लिखाती है, फिर बच्चा जो है वो पढ़ लिख कर काम करने लगता है। उसके बाद फिर जब वो जवान हो जाता है फिर वो एक अच्छी बहू लेकर आती है, लेकिन बहू का सलूक जो होता है उसके साथ अच्छा नहीं होता, वो अपनी सास को बहुत परेशान करती है। तो इस तरह से एक दिन वो नाराज़ होकर अपने घर से निकल जाती है, बेटे से भी नाराज़ हो जाती है, अपनी बहू से भी नाराज़ हो जाती है। और उसके बाद जब जंगल में पहुँचती है तो उस मंज़र को फरतुल्ला बेग ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया। मैं ये कहानी पढ़ती हूँ, आप इसको सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। और ये मज़ेदार कहानी जो है वो मौसमों से मुतालिक है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं किन किन मौसम का जिक्र है इसके अंदर और किस तरीके से कहानी को शुरू किया गया है। एक बुढ़िया जंगल बयाबान में, जहाँ ना आदम ना आदमजात, एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो चलकर किसी आदमजात से पूछें। जो इनका जो उधर गुजर हुआ तो तीनों ने कहा, लो भाई वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो इससे पूछें। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, गोरी गोरी रंगत, कल्ले ऐसे कि जैसे अनार का दाना, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, मोटा रुई का दगला पहने, खूब ओढ़े लिपटे आए। उनका आना था कि बड़ी बी को थरथरी छूट गई। मियाँ जाड़े ने आकर कहा, बड़ी बी सलाम। बड़ी बी ने कहा, जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहें, मगर बेटा जरा धूप छोड़ कर खड़े रहो, मुझे तुम्हारे आने से कप कपी लग रही है। खैर, मियाँ जाड़े जरा हट कर खड़े हुए और कहा, बड़ी बी एक बात पूछूं। बड़ी बी ने कहा, हाँ बेटा जरूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी जाड़ा कैसा? बड़ी बी ने कहा, बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है, दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियां सुलग रही हैं, लियाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है,
खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मजे ले लेकर खा रहे हैं। हलवा सोन बन रहा है, बाजरे का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है। इधर खाया उधर हजम, खून चुल्लुओं बढ़ रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं। बेटा जाड़ा, जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफें सुन सुन कर फूले ना समाते थे। जब बड़ी बी चुपकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी, खुदा तुमको जिंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो 1000 अशरफी की थैली, खर्च हो जाए तो अगले जाड़े में मुझसे और आकर ले जाना। मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आई। रोशन आंखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, हाथों में मूलसरी की लड़ियां जिसमें किरण टकी हुई, हरे डोरी की प्याजी ओढ़नी, गरज बड़े ठस्से से आई और आते ही कहा, नानी जान सलाम, मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी। बड़ी बी ने कहा, बेटा गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। दिन का वक्त है, खसखानों में पड़े हैं, पंखे झले जा रहे हैं, बर्फ की कुल्फियाँ खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियाँ हैं। शाम को उठे, नहाए धोए, सफ़ेद कपड़े पहने, खस का इतर लग मला सहन में छिड़काव हो गया, घड़ोचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हैं। रात हुई, कोठों पर पलंग बिछ गए। बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी गर्मी का यह हाल था कि तारीफें सुनती जाती थी और निहाल होती जाती थी। जब बड़ी बी तारीफ करते करते थक कर चुप हो गई तो बी गर्मी ने चुपके से निकाल कर 1000 अशरफी की थैली उनके हाथ में दी और कहा, अम्मा जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख ली। मैं हर साल आया करती हूँ, जब आऊँ जो लेना हो तो बेखटके ले लिया कीजिए, भला आप जैसे चाहने वाले मुझे मिलते कहाँ हैं। बी गर्मी जरा हटी तो भी बरसात छम छम करती पहुंची। सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदे इस तरह टपक रही थी जैसे मोती, हाथों में धानी चूड़ियां। गरज उनके आते ही बरखा रुच छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो, होना हो तुम भी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। भी बरसात ने कहा, जी हाँ मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा, भी बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम ना हो तो लोग जिए ही कैसे। मैं छम छम बरस रहा है, बाघों में खम गड़े हैं, झूले पड़े हैं, औरतें हैं कि हाथों में मेहंदी रची है, सुर्ख सुर्ख जोड़े धानी चूड़ियाँ पहने झूल रही हैं, कुछ झूल रही हैं, कुछ झुला रही हैं, मल्हार गाए जा रहे हैं, ऊदी ऊदी घटाएं आई हुई हैं। बरसात भाई बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी बरसात ने भी 1000 की थैली बड़ी बी की नज़र की और रुखसत हुई। शाम हो चली थी, बड़ी बी थैलियां समेट समाट खुशी खुशी घर आ गई, घर में बाहर आ गई। पड़ोस में एक और बुढ़िया रहती थी, उसने बड़ी बी के घर जो ये चहल पहल देखी तो उससे ना रहा गया। पूछा, ये रुपया तुम कहाँ से लाई। बड़ी बी ने कहा, मुझको ये रुपया जाड़े गर्मियों बरसात ने दिया है। पड़ोसन बुढ़िया आफत की पुड़िया थी, एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर जंगल में जा बैठी। खुदा का करना था कि जाड़ा गर्मी बरसात उसी दिन फिर मिले। एक ने दूसरे से पूछा, कहो भाई बुढ़िया ने क्या तस्फे किया। जाड़े ने कहा, भाई वो बुढ़िया गजब की थी, ये नहीं बताया कि तीनों में कौन अच्छा है। सभी की तारीफें करके मुफ्त में 3000 अशरफियाँ मार ली। गरज तीनों जले भुने आगे बढ़े, देखा कि एक बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ जाड़े पहुंचे, उनका आना था कि बुढ़िया सर्दी से थरथर कांपने लगी। जाड़े ने कहा, बड़ी भी सलाम, मिजाज तो अच्छा है। बुढ़िया बोली, चल बुढ़े परे हट, बड़ी भी होगी तेरी माँ, अब जाता है नहीं। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी भी मैं जाड़ा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ। बड़ी भी ने कहा, इस बुढ़ापे में भी आप अपनी तारीफ चाहते हैं, लो अपनी तारीफ सुनो। आप आए, उसको फालिज हुआ, उसको लखवा हुआ, हाथ पाँव फटे जा रहा है, नाक सोर सोर बह रही है, दांत है कि कड़कड़ बज रहे हैं, कपड़े इधर पहने उधर मैले हुए, लिहाफ जरा खुला और हवा सर से घुसी, बिछोने बर्फ हो रहे हैं, तौबा तौबा, आग की भी तो गर्मी जाती रहती है। लीजिए अपनी तारीफ सुनी या कुछ और सुनाऊं।
जाड़ा जला हुआ तो पहले ही सता। अब जो बुढ़िया की जली कटी बातें सुनी तो जल कर कोला हो गया। अपनी ठोड़ी पकड़ कर डाढ़ी की जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। चलते चलते दो तीन ठोकरे रसीद की। जरा फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी। उनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्फिया करा लाओ, हम तो हार गए। पी गर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई और कहा, नानी अम्मा मैं हूँ गर्मी, तुमसे ये पूछने आई हूँ कि गर्मी कैसी। ये सुना था कि बुढ़िया के तो आग ही लग गई। गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह पसीना बह रहा है, कपड़ों से भू आ रही है, सुबह को कपड़े बदले शाम तक चिक्कट हो गए, खाना खाया किसी तरह हजम नहीं होता, सीने पर रखा हुआ है, सुबह हुई और लू चलनी शुरू हुई, उसको लू लगी, उसको हैजा हुआ, मुंह झुलसा जाता है, होंठों पर पपड़ी जमी हुई है, पानी पीते पीते जी बेजार हो जाता है, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है, चल दूर हो मेरे सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुकत सुनाऊंगी कि तमाम उम्र याद रखेगी। बी गर्मी तो आग बगुला हो गई। कहा, ठहर बुढ़िया, तुझे इस बदज़बानी का मजा चखाती हूँ, मुझे तू क्या समझती है। ये कहकर जो फूंक मारी तो ऐसा मालूम हुआ कि लू लग गई। बुढ़िया तो हाय गर्मी करती रही, बी गर्मी पीठ पर एक दो हत्तर मार कर चलती बनी। जब उनको भी रूखी सूरत बनाए आते देखा तो बी बरसात दिल में बहुत खुश हुई, समझी कि चलो मैंने पाला मार लिया। बड़ी मटकाती बुढ़िया के पास गई और कहा, मैं बरसात हूँ, अच्छा बताओ तो बरसात कैसी। बुढ़िया ने कहा, बरसात से खुदा बचाए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कलेजा हिला जाता है, दम दम की आवाजें आ रही हैं, जरा पांव बाहर रखा और छींटे सर से ऊपर हो गए, जरा तेज चले और जूतियां कीचड़ में फंस कर रह गई, रात को मच्छर हैं कि सताए जा रहे हैं, न रात को नींद न दिन को चैन, और फिर इस पर भी ये सवाल कि नानी जान मैं कैसी हूँ। नानी जान से तारीफ सुन ली, अब तो दिल ठंडा हो गया। ए है ये बेमौसम की गर्मी कैसी, खुदा खैर करे। बुढ़िया ये कह रही थी कि बी बरसात की निगाह बिजली बन कर गिरी और बड़ी बी के पाँव को चाटती हुई निकल गई और बी बरसात बुढ़िया को लंगड़ा कहकर मुंह पर थुक्कर रुखसत हुई। बात यह है कि अल्लाह शकर खोरे को शकर ही देता है। जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं और मुए रोनी सूरत तो हमेशा जूतियाँ खाते हैं। तो ये बच्चों कहानी सुनी, मजा आया होगा कहानी में आपको, इसी तरह से इसी लहजे में पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब इसमें कहानी में कुछ मुश्किल लफ्ज आए हैं, पहले हम मुश्किल लफ्जों के माने जो हैं वो जान लेते हैं। बयाबान कहते हैं जंगल को, आदम ना आदमजात जहाँ किसी इंसान या जानदार का नामो निशान ना हो। कहते हैं ना एक बुढ़िया के जहाँ पर जंगल बयाबान में आदम ना आदमजात, तो आदम ना आदमजात जहाँ किसी इंसान या जानदार का नाम निशान ना हो। सलाह मशवरा राय, किले दरख्त की वो कोपल जो कली की तरह फूटती है, दगला रुईदार लिबादा सर्दी का एक लिबास, सुभान अल्लाह पाक जात है अल्लाह की शुक्रगुजारी के लिए के इजहार के लिए कहा जाता है, महावट जाड़े की बारिश, मलीदा इसको मालीदा भी बोलते हैं बहुत जगहों पर, नमक गुड़ शकर और रोटी को खूब मलकर तैयार की जाने वाली एक गजा, कंठा फूलों का हार, मोटे मोटे मोतियों की माला, खस एक किस्म की घास, घड़ोची घड़े रखने का स्टैंड जो गुलमूम लकड़ी का होता है, निहाल होना ये मुहावरा है, बहुत खुश होना सरशार होना, आफत की पुड़िया बहुत ज्यादा तेज चालाक, आग बगुला होना ये भी मुहावरा है, बहुत गुस्से में होना, कलेजा दहलना ये भी मुहावरा है, बहुत ज्यादा खौफ खाना। तो ये लफ्ज़ के माने आपको समझ में आ गए और कहानी तो जो है वो समझ में आ ही गई होगी कि किस तरह से एक बुढ़िया अपने घर, जैसे मैंने बताया था कि वो जंगल बयाबान में चली गई थी, वहाँ पे ना कोई आदमी, ना कोई आदम, ना आदम, ना कोई इंसान, ना कोई जानदार था, और उसके बाद वो वहाँ बैठी रो रही थी। इतने में जाड़ा गर्मी और बरसात जो है वो उनमें आपस में जो है ये चल रहा था कि कौन अच्छा, तो वो कहते हैं कि हम इसका तस्फिया करवा लेते हैं। तो चला आज में झगड़ा हो रहा था इनमें, जाड़ा गर्मी और बरसात में। जाड़ा कहता था कि मैं अच्छी गर्मी कहती थी, मैं अच्छी बरसात, हर मौसम अपने आप को अच्छा कह रहा था। तो सलाह हुई चलो किसी आदमजात से पूछ लेते हैं, यानी किसी इंसान से, आदमजात का मतलब होता है इंसान। तो तीनों ने कहा लो अभी एक बुढ़िया बैठी है, इसे पूछ लेते हैं। तो पहले जाड़ा पहुँचता है, जाड़े की पूरी उन्होंने एक बताया है उसकी
कि गोरे गोरे रंगत है उसके कल्ले जैसे अनार का दाना, सफ़ेद लंबी लंबी दाढ़ी, रुई का दगला पहने हुए, वो बोड़े लिपटे हुए आते हैं। तो ये उसकी उनके लिबास के बारे में बताया कि जाड़ा। तो बड़ी भी जो है वो जब प्याड़ा आया तो थरथराहट होने लगी। मियाँ जाड़ा ने आकर उनको पहले सलाम किया, फिर कहा कि बड़ी भी ने कहा जीते रहिए। तो कहा ज़रा धूप छोड़ कर खड़े हो जाओ, मुझे बहुत कपकपी लग रही है। तो वो थोड़ा दूर होके खड़े हो गए और फिर उन्होंने कहा कि एक बात आपसे पूछूं। तो बड़ी भी ने कहा हाँ ज़रूर पूछो। तो कहा कि जाड़ा कैसा। तो बड़ी भी ने फिर जाड़े की जो है ना खूबियाँ बयान करनी शुरू कर दी कि दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियाँ सुलग रही हैं, आप लोगों ने जब जाड़े का मौसम आता है तो ये सब कुछ होता है, लिहाफ़ों में दुबके पड़े रहते हैं, जब बहुत ठंड होती है चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं दूसरों को पिला रहे हैं, फिर गर्म गर्म चीज़ें मेवे ये सब खाते हैं, रस की खीर भी खाई जाती है, बाजरे का मलीदा, बाजरा मक्का की रोटी भी जो है वो खाई जाती है और मलीदा भी बनता है। तो मलीदा तो मैंने बताया दिया आपको कि गुड़ चीनी और ये जो है देसी घी मिलाकर बाजरे की रोटी पका कर उसको तोड़ के जो है वो बनाया जाता है। तो वो कहती हैं कि बाजरे इस दिनों में जो है ना वो खून चुल्लुओं बढ़ जाता है, तो बहुत खून बढ़ जाता है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं, बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो मियाँ जाड़े अपनी तारीफ़ें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, फूले नहीं समाते। और जब बड़ी भी चुपकी हुई, चुपकी जो है ना चुपकी का मतलब यानी खामोश होती हैं, चुपकी दिल्ली में बहुत बोला जाता है, दिल्ली वाले बहुत बोलते हैं चुपकी, चुपकी हुई क्योंकि मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग दिल्ली के थे तो उन्होंने ज़्यादातर दिल्ली की ज़बान का जो है इस्तेमाल किया है। बड़ी भी चुपकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी भी खुदा तुमको ज़िंदा रखे, मेरा दिल तुमने खुश कर दिया, ये लो 1000 अशरफियाँ उसको की थैली देता है, बढ़िया खर्च हो जाए तो अगले जाड़े में मुझसे और आगे ले जाना। मियाँ जाड़े हटे तो गर्मी आ गई, गर्मी ने कहा कि मैं उनकी गर्मी की जो वो बताया है कि रोशन आँखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, हाथ में मुलसरी की लड़ियाँ, जिसमें किरण किरण टकी हुई, हरे डोरी की प्याजी उड़नी, ये सब गरज बड़े ठस्से से आई और आते ही सलाम किया। ये गर्मी के उन्होंने बताया कि कैसा लिबास पहनी हुई थी और कैसी उसका हुलिया था गर्मी का। नानी जान सलाम आके सलाम करती है, मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी। तो बड़ी भी फिर वो गर्मी की भी बहुत तारीफ़ें करती हैं, कहती हैं खसखानों में पड़े हैं, पंखे जले जा रहे हैं, बर्फ़ की कुल्फियाँ खाई जाती हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियाँ हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं, शाम को उठे नहाए धोए सफ़ेद कपड़े पहने, खसका इतरमला सहन में छिड़काव हो गया, घड़ोचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हुए, उस ज़माने में घड़ोची और ये मटके हुआ करते थे, तो वो उसको भी इन्होंने इसमें लिखा है, रात हुई कोठों पर पलंग बिछ गए और लोग छतों पे सोया करते थे, बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो इस तरह से गर्मी जो है वो भी बड़ी खुश होती है अपनी तारीफ़ सुनकर, वो भी उनको 1000 की अशरफी देकर चली जाती है और कहती है मैं हर साल आती हूँ, जब लेना चाहे बेखट के ले लिया कीजिए, आप जैसे लोग मिलते ही कहाँ, चाहने वाले लोग भी। गर्मी इतनी है तो बरसात आ जाती हैं, बरसात को लिखा है बरसात खानम, छम छम करती हुई आती हैं। तो उनकी भी जो उनका हुलिया बयान किया है फरतुल्ला बेग ने, वो सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आँखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती। तो उससे पूरे मंजर से ही पता चल जाता है कि ये बरसात है। हाथों में धानी चिड़ियाँ, गरज इनके आती बरखा रुच छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा मजान सलाम, बड़ी भी ने कहा बेटी खुश रहो। तो वो भी पूछती हैं कि मैं पूछने आई हूँ मैं कैसी हूँ। बड़ी भी का बड़ी भी उसको भी कहती हैं कि भाई बहुत बरसात तो बहुत अच्छी होती है, अगर ना हो तो हम लोग जिए ही कैसे, पानी बरस रहा है छम छम और झूले पड़े हैं और औरतें हाथों में मेहंदी रची है, सुरसुख जोड़े पहनी हैं, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, झूले झूल रही हैं, तो मल्हार गाए जा रहे हैं, उदी उदी घटाएँ आ रही हैं, बरसात भाई बरसात का क्या कहना। तो बरसात भी बड़ी खुश होती है और वो भी खुश होकर 1000 की थैली बड़ी भी को दे देती है। तो इस तरह बड़ी की बात 3000 की तीन थैलियाँ आ जाती हैं। पड़ोस में अब जब वो घर पे वापस आती है, क्योंकि तो रूठ के जाती है अपने घर से, जब घर वापस आती है तो खुशी खुशी घर आती है और घर में उनके बाहर आ जाती है। बाहर क्या मतलब, यानी वो घर वाले बड़े खुश हो जाते हैं बेटा और बहू। पड़ोस में एक और बुढ़िया रहती थी, और बड़ी भी की चहल पहल देखी तो सराहने गया, उसने पूछा ये तुम कहाँ चलाई रुपया। बड़ी भी ने कहा मुझको ये रुपया जाड़े गर्मी बरसात ने दिया है। पड़ोसन भी, ये बुढ़िया जो थी ना ये बड़ी बताते हैं बहुत चालाक थी, और एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर वो भी जंगल में जा बैठी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जाड़ा गर्मी बरसात उसी दिन फिर मिले। एक ने दूसरे से पूछा कहो भाई
क्योंकि बुढ़िया ने तस्विया तो नहीं किया था, तीनों को अच्छा कह दिया। तस्विया क्या होता है? फैसला होता है, यानी ये फैसला करना क्या सच है क्या झूठ है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो तस्विया तो उसने किया नहीं है, बल्कि सबकी तारीफें कर दी, और तारीफें जब की तो उसको 1000 की 3 अशरफियाँ मिल गई। तो जाड़ा ने कहा भाई वो बुढ़िया गजब की थी। जाड़ा कहता है सभी की तारीफें करके वो इतने सारा जो है वो 3000 अशरफियाँ उसने मार ली। तो कहते हैं अब क्या करें, तीनों जलने फूलने लगते हैं कि ये तो बहुत गलत हुआ, हमने तारीफें करी और हमने जो है ना उसको इतने पैसे दे दिए। तो कहते हैं चलो अब क्या करें। तो देखा है कि बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ जाड़े पहुँचे, उनका आना था कि बुढ़िया सर्दी से थर थर काँपने लगी, और वैसे ही बताया था मैंने बहुत जो इसमें लिखा है ना आफत की पुड़िया लिखा है उसको, बुढ़िया को मतलब उससे वो मिला दिया बुढ़िया आफत की पुड़िया। इस तरह से इन्होंने एक ज़बान में एक लताफत पैदा कर दी, बुढ़िया आफत की पुड़िया, अरे बुढ़िया और पुड़िया का वो बना दिया, क्या कहते हैं खाफिया मिला दिया इसमें। जाड़े ने कहा कि मैं मिजाज तो अच्छा है बुढ़िया, बोली चल वो कहते हैं ना बड़ी भी सलाम कहता है वो, तो बुढ़िया जल जाती है और कहती है बुढ़े बड़ी भी होगी तेरी माँ, अब जाता है नहीं बड़ी भी जा रहा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ। तो बड़ी भी जो है ना वो उसकी तारीफ में क्या कहती हैं कि आप आते हैं तो किसी को फालिज होता है, किसी को लकवा होता है, किसी का हाथ पाँव फटे जा रहे हैं, सर्दियों में सब होता ही है, सुड़ नाक बह रही है, दाँत हैं कि सर्दी की वजह से बज रहे हैं कड़कड़, कपड़े इधर पहने उधर मैले हुए, लिहाफ ज़रा खुला और एकदम ज़रा सा आपने देखा होगा लिहाफ हल्का सा खुलता, बहुत ठंड होती है ना तो एकदम हवा सर से घुसती है, बिछौने बर्फ हो रहा है, तौबा तौबा। और ये भी कहती है आग तो ऐसा लगती नहीं कि इसके अंदर गर्मी है, इतनी ठंड होती है तो आग की गर्मी भी चली जाती है। और सुनाऊँ आपकी तारीफ? तो बजाड़ा तो जला हुआ था पहले जी, क्योंकि जो पहली बुढ़िया थी उसने तो तारीफ कर करके 1000 की अशरफियाँ तीनों से ले ली थी। तो उसने फिर क्या किया, जो बुढ़िया की जली कटी सुनी तो जलकर कोयला हो गया, अपनी ठोड़ी की दाढ़ी को जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया, तेज़ हवा चला दी, चलते चलते 2-3 ठोकरें और मार दी। फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी, उनसे कहा लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्विया करा लाओ, हम तो हार गए। अब भी गर्मी आई तो उन्होंने भी कहा कि मैं कैसी हूँ अभी नानी अम्मा, तो सुनना था बुढ़िया के तो आगे लग गई गर्मी, गर्मी का क्या कहना, पसीना बहता है, कपड़ों से बू आ रही है, कपड़े सुबह को पहनो शाम तक चिक्कट हो जाते हैं, कोई खाना हजम नहीं होता, सुबह ही लू चलनी शुरू हो जाती है, इसको लू लगी उसको लू लगी, हैज़ा हो जाता है लोगों को, मुँह धुलसा जाता है, होठों पर पपड़ी जम जाती है, पानी पीते पीते जी हमारा जो है बेजार हो जाता है। तो कहते जितनी तारीफ की जाए तुम्हारी कम है, चल हो मेरे सामने, चल दूर हो मेरे सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुखत सुनाऊंगी कि तमाम उम्र याद रखेगी। अब भी गर्मी भी आग बबूला हो जाती है, गुस्से में हो जाती है, कहती है अच्छा मैं भी तुझे मजा चकाती हूँ बदज़बानी का, इतनी बदज़बान है तो मुझे क्या समझती है, कहकर उसने जब फूंक मारी तो मालूम हुआ कि लू लग गई। बुढ़िया हाय गर्मी करती रही, भी गर्मी पीठ पर 2 खत्तर मारकर चलती बनी। अब रूखी सूरत बनाए जो है भी बरसात आती है, वो भी बहुत खुश भी बरसात दिल में बहुत खुशी समझी कि चलो मैंने पाला मार लिया। बड़ी मटकाती जो है बुढ़िया के पास पहुंची और बरसात से कहा कि मैं बरसात हूँ, अच्छा बताओ तो बरसात कैसी? बुढ़िया ने कहा बरसात से खुदा बचाए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कलेजा हिला जाता है, बिल्कुल उल्टी बातें कर रही है। जो पहली बुढ़िया थी उसने खूब तारीफ करी थी कि बरसात में ये होता है वो होता है, झूले पर झूले झूलते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, तो इधर कहते हैं धमधम की आवाज़ है, पांव बाहर रखा, छींटे सर से ऊपर हो गए, जरा तेज चले और जूतियाँ कीचड़ में फंस कर रह गई, रात को मच्छर हैं कि सब मच्छर हो जाते हैं इसमें बरसात के मौसम में, तो रात है कि मच्छर सताए जा रहे हैं, ना रात को नींद ना दिन को चैन और मच्छर। और फिर इस पर भी ये सवाल कि नानी जान मैं कैसी हूँ, नानी जान से तारीफ सुन ली अब तो दिल ठंडा हो गया, ए है ये बेमौसम की गर्मी कैसी। अब क्या हुआ कि बे बरसात ने जो है ना निगाह की निगाह जो थी ना बिजली बनकर उनके पर गिरी और उनके पाँव को काटती भी चाटती भी निकल गई। बरसात बुढ़िया को लंगड़ा करके मुँह पर थककर रुखसत हो गई। तो इसमें ये कहते हैं कि अल्लाह शकर कोरे को शकर दे ही देता है, मतलब ये कि जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं और जो रोनी सूरत होते हैं वो हमेशा जूते खाते हैं, यानी जो खुश मिजाज लोग हैं जो बद मिजाज लोग हैं उनके बारे में भी और मौसमों के बारे में भी। तो ये नज़्म बड़े ये जो कहानी है बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बहुत ही अच्छी और मज़ेदार कहानी आपको भी लगी होगी। आप इसमें सवाल है जाड़ा गर्मी और बरसात में आपस में झगड़ा क्यों हुआ, वो ये हुआ कि वो कहते हैं कि मैं अच्छी, बरसात कहती है गर्मी कहती है मैं अच्छी, जाड़ा कहता है मैं अच्छा, तो अपने आप को
ये अच्छा साबित करने के लिए झगड़ा हुआ। झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो किसी आदमजात से, किसी इंसान से हम तस्फिया करा लें, फैसला करा लें कि हमें से कौन अच्छा। जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया, वो उसके अंदर हैं कि आप आए तो कौन सी बड़ी बी, पहली वाली बड़ी बी ने जो बयान किया, तो वो ज़्यादातर सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ बयान की, उसकी बुराई ने बयान की। गर्मी के बारे में भी बड़ी बी का जो ख्याल था वो भी यही था कि भाई गर्मी में खसके कुल्फियाँ खा रहे हैं और आंगन छतों पर सो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है इन्होंने वह मुसन्निफ़ हैं। बरसात का क्या हुलिया बताया है कि सांवली रंगत है, पानी भूरे रंग के बाल हैं, उनमें से बूंदें गिर रही हैं, ये सब चीज़ें उनका हुलिया उसने बताया। बड़ी बी को नज़र में थैलियाँ क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने तारीफ़ की थी, और हर मौसम ने जाड़े ने उसको 1000 थैली दी, गर्मी ने भी और बरसात ने भी, सबने 3000 अशरफियाँ उसके पास हो जाती हैं। तो पड़ोसन ने जब बड़ी बी के घर में चहल पहल देखी तो क्या असर हुआ, उसके दिल में भी ख्याल पैदा हुआ पूछूँ, और एक जो है ना तजस्सुस पैदा हुआ उसमें भी कि इनके घर में इतना जो है चहल पहल, इतनी कैसे हो गई, पैसा आ गया इनके घर में, बस जबान बुढ़िया झाड़े के साथ किस तरह पेश आई। उसने भी उसने झाड़े को बहुत बुरा भला कहा और कहा कि इधर आए तो इधर लकवा हो गया, ये हो गया, बुढ़िया की कौन सी बातों, बरसात की कौन सी बातों को बुढ़िया ने नापसंद किया, कि उसने फिर यही बताया बुढ़िया को। तो ये आप कहानी जब पढ़ेंगे तो उसमें से इसके जवाब लिखिएगा, और फिर बरसात ने बुढ़िया के साथ क्या सलूक किया इसको भी लिखिए। फिर खाली जगह है तो उन्हीं दोनों जाड़ा गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। बाजरे का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है, ये खाली जगह है। मियाँ जाड़े अपनी तारीफ सुन सुनकर फूले ना समाते थे। नानी जान खुदा तुम्हारा भला क्या, आज तुमने मेरी लाज रख ली। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, जिसमें सलाह है, तस्फिया है, बयाबान है, आदम ना आदमजाद, मल्हार, तो ये सब की मीनिंग आपको मालूम है, इसके माने आपको मालूम है, आपको उसको लफ्ज़ों में इस्तेमाल करना है। ऐसे ही इसमें वाहिद जमा और जमा से वाहिद बनाने हैं, बच्चे बच्चों, तारीफ तारीफ़ों, अशरफी अशरफियों, कुल्फ़ी, अब इसमें कुल्फियाँ लिखा तो उसके जो वाहिद होगा कुल्फ़ी, चूड़ी चूड़ियाँ, और इसमें घटाया घटाओं, फासला फासलों, इस तरह से और भी लफ्ज़ हैं, आप इसमें से तलाश कीजिए और उनको लिखिए अपनी कॉपी में। फिर हैं मुहावरे, उनके मायने, उनको भी जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो थर थर कांपना, बहुत ज़्यादा डरना, डर जाना, फूले ना समाना, बहुत खुश होना, ये मुहावरे हैं। निहाल होना, बहुत खुश होना, सरशार होना, जी बेजार होना, उकता जाना, आग बगूला होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ऐसे ही कलेजा दहलना, ये भी मुहावरा है। बहुत ज़्यादा खौफ खाना, पाँव चाटना, चापलूसी करना। फिर है वे आप जो है ना एक अमली काम कर सकते हैं बच्चों, इसमें हिंदुस्तानी जो मौसम है हमारे, जाड़ा गर्मी और बरसात, इन तीनों की खूबियों को आप खूबियाँ भी लिखिए और खामियाँ भी लिखिए दोनों। अब इसमें पढ़िए और समझिए, सूरज निकल रहा है, अकबर अभी नाश्ता कर रहा है, ऊपर के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज से पता चलता है काम शुरू तो हुआ लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसे हाले ना तमाम कहते हैं। चांद निकल आया, वो स्कूल जा चुकी है, ऊपर के जुमलों में जो आया है और जा चुकी है, इन अफाल से यानी इन कामों से पता चलता है काम ख़त्म हो चुका है, इसे इन्हें हाले तमाम कहते हैं, यानी काम तमाम हो गया, काम ख़त्म हो गया, अब है गौर करने की बात। तो गौर करने की बात यही कि मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग जो है इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं, वो उर्दू के मुमताज़ नसर निगार थे, अपने मखसूस अंदाज में दिल्ली की बोलचाल की ज़बान को इस खूबसूरती से लिखते हैं कि पढ़ने वालों को मज़ा आता है, ऐसा लगता है जैसे कोई सचमुच हमारे सामने बैठा हुआ मज़ेदार कहानी सुना रहा हो। उन्होंने इस कहानी में जाड़ा गर्मी और बरसात की अच्छाइयों बुराइयों को अपने मखसूस और दिलचस्प अंदाज में बयान किया। हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है इसमें तीन मौसम होते हैं, गर्मी सर्दी और बरसात, इसके अलावा एक और मौसम भी कई मुल्कों में होता है जिसे मौसम बहार कहते हैं। इन मौसमों की अपनी अपनी खूबियाँ और कमियाँ हैं, हर मौसम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फल फूल और सब्जियाँ इंसान के लिए पैदा की। बरसात के मौसम का ख़ास तौर पर किसान बड़ा इस्तेमाल करते हैं, इस मौसम में कई त्यौहार भी होते हैं, बागों में झूले पड़ते हैं, मल्हार और गीत गाए जाते हैं। अपने लफ्ज़ों में इस कहानी को लिखिए और दूसरे जो जाड़ा गर्मी और बरसात है उनकी खूबियों और खामियों को भी लिखिए। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि आपको आजकल ये सबक जो है एक मज़ेदार कहानी ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला, निर्माण सहयोग
मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।